नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य नेशन और बात करेंगे अंदर की बात में आज कुछ खास मुद्दों पर। आज बात करेंगे सेहला राशि जब बेरोजगार हैं तो बैंक खातों में करोड़ों रुपए कहां से आया, क्या जम्मू कश्मीर में हालात बिगाड़ने वाले गिरोह में शामिल है सेहला राशि, बेटी की धमकी के बाद पिता अब्दुल राशिद कश्मीर भागकर क्यों जम्मू आए, सीए के खिलाफ आंदोलन में भी सक्रिय रही जेएनयू की छात्रा सेहला राशिद। देशवासियों को उन चेहरों को अच्छी तरह से पहचानना चाहिए जो समय समय पर देश विरोधी गतिविधियों में नजर आते हैं। माना कि लोकतंत्र में आंदोलन करने का सभी को अधिकार है, लेकिन जब किसी आंदोलन में देश विरोधी नारे लगे तो फिर आंदोलन चलाने वालों की नीयत पर भी सवाल उठते हैं। सब जानते हैं कि सेहला राशिद नाम की एक लड़की ने दिल्ली स्थित जेएनयू की छात्रा होने का चेहरा लगा रखा है, लेकिन आरोप है कि सेहला राशिद देश विरोधी गतिविधियों में सक्रिय रही है। पहले ऐसे आरोप सुरक्षा एजेंसियों द्वारा लगाए जाते रहे हैं, लेकिन इस बार सेहला के पिता अब्दुल राशिद सोरा ने भी ये आरोप लगाए हैं। सोरा ने कहा है कि बेटी की धमकी के बाद ही वे कश्मीर से भागकर जम्मू आए हैं, अब उनके लिए कश्मीर में रहना मुश्किल हो रहा है। सोरा ने कहा कि मेरा राजनीति से कोई संबंध नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि कश्मीर में अमन चैन कायम हो। अनुच्छेद 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में शांति बहाली हो रही है, लेकिन एक ऐसा संगठित गिरोह सक्रिय हो रहा है जो कश्मीर में हालात बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है। ऐसे गिरोह में उनकी बेटी भी शामिल है। सेहला ने अपने सभी लीगल दस्तावेज में स्वयं को बेरोजगार बता रखा है, लेकिन सेहला के बैंक खातों में करोड़ों रुपए आया है। जांच एजेंसियों को यह पता लगाना चाहिए कि एक बेरोजगार लड़की के खातों में करोड़ों रुपए कहां से आया। अब्दुल राशिद ने कहा कि ये एक देशभक्त इंसान है, इसलिए अपनी बेटी की गतिविधियों की जांच की मांग कर रहे हैं। सोरा ने कहा कि यदि सेहला के मोबाइल फोनों की कॉल डिटेल निकालकर जांच की जाए तो असली चेहरा सबके सामने आ सकता है। सरकार को उन तत्वों को के समाधान करना चाहिए जो जम्मू कश्मीर के हालात बिगाड़ना चाहते हैं। सीएए विरोधी ताकतों और आंदोलन में भी उनकी अहम भूमिका रही है। सब जानते हैं कि सेहला राशिद दिल्ली में हुए सीएए विरोधी आंदोलन में भी सक्रिय थी। इस आंदोलन में जेएनयू के कई विद्यार्थियों की भूमिका सामने आई थी। विदेशी फंडिंग का भी पता चला था, तब भी सेहला पर गंभीर आरोप लगे थे। बदली हुई परिस्थितियों में सेहला दिल्ली छोड़कर कश्मीर में शिफ्ट हो गई है। अब कश्मीर में सेहला क्या कर रही है, ये पिता अब्दुल राशिद ने सार्वजनिक कर दिया है। यदि एक पिता को अपनी ही बेटी से जान का खतरा हो तो बेटी के चेहरे का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। हालांकि सेहला ने पिता पर अपनी माँ को पीटने का आरोप लगाया है। इस संबंध में सेहला की ओर से पिता के विरुद्ध FIR भी दर्ज करवाई गई है। भले ही पारिवारिक विवाद हो, लेकिन सेहला के पिता के आरोपों को यूं ही खारिज भी नहीं किया जा सकता। सेहला राशिद जम्मू कश्मीर और दिल्ली में कई NGO भी चलाती है। ऐसे NGO की गतिविधियों की भी जांच होनी चाहिए। तो ये बड़ी खबर थी जो हमने आपको बताई। ना होगा, लगातार बने रहिए हमारे साथ सत्य नेशन पर। अगली खबर लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।